हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक जबरदस्त मैक्रो का यूज सिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त है ये मैक्रो का यूज, क्या है और कैसे इसको यूज करेंगे, आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइटल हमने डाल रखा है, जैसे प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है और यहाँ पे टोटल, और फिर यहाँ पे जीएसटी आएगा और यहाँ पे टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करके देखेंगे। टैक्स AMOUNT अमाउंट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर जो है हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, पहले तो टोटल कैलकुलेट करेंगे फिर टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, आप चाहे तो पूरा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर कॉलम हेडिंग पे क्लिक करने से ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है और फिर आपको जाना है डेटा टाइप पर, और डेटा टाइप पे जाके सीधा कहाँ जाना है, ये है आपका डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ इसे बना लीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर अलग अलग नेम टाइप करने हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं कीबोर्ड, ठीक है, फिर यहाँ माउस MOUSE, फिर यहाँ टाइप करते हैं हम मॉनिटर, ठीक है, यहाँ पे टाइप करते हैं लैपटॉप, कॉमा देते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं सपोज कीजिए वायरलेस माउस, क्या टाइप करते हैं वायरलेस माउस MOUSE। इसी तरीके से यहां पर टाइप करते हैं वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड KEYBOARD, वायरलेस कीबोर्ड। और भी प्रोडक्ट्स इसमें एंटर कराए जा सकते हैं, जैसे यहां पर हम टाइप कर देते हैं USB टाइप कर दिया। इसी तरीके से और भी चीजें हो सकती हैं, लाइक यहां पर हम HDMI केबल कर देते हैं, HDMI केबल, तो ये भी एक प्रोडक्ट का नाम है। तो यहां पर अब एंटर कर देंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए यहां पर ये आ रहा है, ठीक है, यहां पर तो हमें प्रोडक्ट का नेम ही रखना है फिलहाल। यहां पर जब आएंगे ना तो देखिए कीबोर्ड आ गया, यहां पर आएंगे तो फिर यहां पर आप लाइन से आप चूज करते जाइए, बाकी सारी डिटेल तो ऑटोमेटिक आपने इंसर्ट कर ही दिया है, तो यहां पर खाली चूज करने वाली बात है। अब आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से आता चला जाएगा, देखिए लाइन से ये आता चला जा रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां में टाइप करने की जरूरत ही नहीं। तो जितने एरिया में चाहे उतने एरिया में ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो मान लीजिए ये एरिया हमारा, अब इसको रिसाइज करना है, डबल क्लिक कर दीजिएगा, रिसाइज हो जाएगा। कीबोर्ड की प्राइस 400 रुपए यहाँ पे डाल दिया, माउस की प्राइस 300 रुपए डाल दिया, मॉनिटर की प्राइस 6000 रुपए डाल दिया, लैपटॉप की प्राइस 60000 रुपए डाल दिया, तो ये हो गया 60000। वायरलेस माउस 1600 रुपए या 1550 का कर देते हैं, तो ये 1550 कर दिया। वायरलेस कीबोर्ड 2000 रुपए यहाँ पे डाल दिया, प्राइस डाल दिया। यूएसबी है 300 रुपए की, और यहाँ पर एचडीएमआई केबल की बात है तो वो है आपका 340 रुपए का। तो ये सारी डिटेल हमने डाल दी। हम ये चाहते हैं कि इतना हिस्सा रुपीज फॉर्मेट में आए, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब पर, और होम टैब पे जाकर के यहाँ जनरल पे जाएंगे, और जनरल पे जाने के बाद इसे बना देंगे करेंसी, ठीक है, और ये जो टोटल वाला है ना इसको भी हमें करेंसी बनाना है। तो अब हमें बार बार जाकर यहां से करेंसी बनाने की जरूरत नहीं कि यहां पर आप जाएंगे फिर इसको पूरा करेंसी करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं। आप इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, देखिए यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए होम टैब में रहते हुए, और इस फॉर्मेट को यहां कर दीजिए पेस्ट। ये सिर्फ फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट हुआ है, सेम यही फॉर्मेट हमें अप्लाई इस पे भी करना है, ठीक है। तो अब इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां पर जाएंगे, इस फॉर्मेट को फिर वापिस से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया काम। अब इसकी क्वांटिटी यहां पे डालेंगे, तो 5, 6, 10, 20 जो भी क्वांटिटी है वो यहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए जैसे कि मैं डालता जा रहा हूं, ये क्वांटिटी हो गई इस तरीके से यहां पे। अब देखिए, अब यहां पे टोटल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, और ये जो ड्रॉपडाउन है आप देख सकते हैं यहां पर भी मैंने परसेंटेज के साथ ड्रॉपडाउन बनाया है, हर कॉलम में अलग अलग परसेंटेज दिया है, 1-2% मैच भी होंगे, मतलब सेम भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टोटल का भी फॉर्मेट बदल देते हैं, तो यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे, यानी फॉर्मेट पेंटर का जो यूज हमने किया था पहले उसी को यूज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये कंट्रोल जेड करते हैं, ये जो फॉर्मेट है उसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, यानी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये फॉर्मेट जो है चेंज हो जाएगा, यानी ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से व्यू टैब पर। टोटल करने के लिए व्यू टैब पे नहीं जाना है, एक्चुअली फंक्शन ही लगाना है, फॉर्मूला ही लगाना है। अभी मैक्रो पे जाएंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से मैक्रो पे जाएंगे, और ये रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए मैक्रो 2 आ रहा है। आप चाहे तो इसके लिए कोई शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं, और ये पूरे बुक वर्कबुक पे अप्लाई करना है, ठीक है।
तो यहां पर ये पूरे वर्कबुक पे अप्लाई होगा। आप चाहे तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां पर ओके कर दीजिएगा और अब हमें टोटल करना है। तो यहां पर आते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं। जैसे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो यहां पर हमें इसको सेलेक्ट करना है। आप इसका सेल एड्रेस देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ऊपर बी कॉलम है और टू रो है, ठीक है। तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे, बी टू आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, फाइव कर देंगे, यानी फाइव का सेल एड्रेस जो है सी टू है। तो यहाँ पे सी टू सेलेक्ट होगा और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ 2000 आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सबका आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर टैक्स अमाउंट भी बराबर एकदम बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट हो चुका है हमारा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, यहां से अब हमें मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। अब क्यों स्टॉप करना है भाई, क्यों स्टॉप करना है मैक्रो की रिकॉर्डिंग को, देखिए इसको मैं डिलीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां से वापस से आता हूं, इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगा। और चूंकि टैक्स हमारा किस में छिपा होगा, इसी में छिपा होगा, ये परसेंटेज, ये टोटल के अंदर, तो 5% यहां लगा दिया। अब यहां पर आपको बार बार जो है सेल एड्रेस बदलने की जरूरत है, यानी सेल एड्रेस तो यहां रिलेटिव ही रहने वाला है, देख सकते हैं। यहां पर हर बार आएंगे तो चेंज मिलेगा, जैसे यहां पर डी टू इंटू ई टू, फिर नीचे आएंगे तो डी थ्री इंटू ई थ्री। क्यों ऐसा, क्योंकि हर जगह टैक्स दिया गया है, ये पहले वाले का यहां पे दिया गया, दूसरे वाले का यहां पे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैक्रो को स्टॉप करते हैं, तो यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई और ये सेव हो गया है मैक्रो टू के नाम से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके नाम से सेव हुआ है, मैक्रो टू के नाम से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही जो डेटा है, ये सेम डेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है यही डेटा हमारे पास यहां पर भी है, यानी अलग शीट पे यहां पर हम डेटा ले लेते हैं, यही सेम डेटा। आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट क्वांटिटी ये सब आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अमाउंट में, क्वांटिटी में, इन सब डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी हमने यहाँ पे कर दिया 75 था, तो यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर तो टोटल आएगा, तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल, ठीक है। और टोटल के बाद क्या आएगा, टोटल के बाद यहाँ आएगा टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी आएगा, तो ये कर देते हैं टैक्स अमाउंट टी, ये हो गया टैक्स अमाउंट, ठीक है। और टैक्स अमाउंट के बाद यहाँ पे पहले तो टैक्स करेंगे, तो यहां से पहले इसको एक इंसर्ट करा लेते हैं, यहाँ पे टैक्स, टैक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हमें टैक्सेस लेके आने हैं, तो टैक्सेस को लेके आने के लिए क्या करेंगे, इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और इसमें वही ड्रॉप डाउन बना देंगे कि यहाँ पे जो है हम जाएंगे कहाँ, डेटा टाइप पर, और यहां से डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और यहां से आएंगे तो ये लिस्ट बनाएंगे और फिर वही चीज की 5% 10%, आप चाहे तो वहां से भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं। 5% हो गया, 10% हो गया, 12% हो गया, ये 12% हो गया, फिर कॉमा 18% हो गया, ये 18%, फिर यहाँ पे हम कॉमा देके 21% कर देते हैं और एट लास्ट 28% भी कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये 28% भी कर दिया और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये काम हो जाएगा और ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टैक्स अमाउंट भी आने लगा, तो जैसे वहां पे आ रहा था वैसे यहाँ पर भी आने लगा है। अब देखिए यहाँ पर 10% हो गया, ये हो जाएगा क्या 12% हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे 18% हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 21% हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो ये 28% हो जाएगा। और बाकी आप मैंने तो कहा ही था कि रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिपीट भी कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिसाइज कर लेते हैं, ये रिसाइज हो गया। अब हमको टोटल कैलकुलेट करना है और टैक्स अमाउंट भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर भी हमारे पास डेटा हो गया है और डेटा तो हमारे पास यहां पर भी है, दोनों जगह डेटा है ना। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो शीट टू है यहां पर हम एक बटन बनाएंगे। अब बटन कैसे बनेगा, बटन बनाना बड़ा आसान है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां बटन बनाएंगे। तो इतने हिस्से को मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, जैसे ब्लैक कलर से ही हाईलाइट कर देता हूं, तो ये हाईलाइट कर दिया हमने, देख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं। अब यहां पर आएंगे इंसर्ट टैब पर और इंसर्ट टैब पे आके शेप्स पे आएंगे और यहां से ये वाला शेप ले लेते हैं और यहां पर एक बड़ा सा बटन हम डिजाइन करेंगे। तो ये बड़ा सा बटन आ गया और कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, बाकी डिटेल आप देख ही सकते हैं। और यहां पर कैलकुलेशन बटन कर देते हैं, कैलकुलेशन बटन, ठीक है। तो ये कर दिया कैलकुलेशन बटन और यहां पे क्लिक कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन बटन है यहां से जाकर के और यहां से इसका साइज बढ़ा लेंगे हम, ठीक है।
ये साइज बढ़ गई, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे रख के राइट क्लिक करेंगे और ये असाइन मैक्रो पे जाएंगे, जो कि मैक्रो हमने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जाकर के और ये मैक्रो 2 को सेलेक्ट करके और इसको रन करा दीजिएगा। क्या करना है, ओके कर देना है यहां से। तो ओके हो गया तो यानी ये बटन बन करके तैयार। अब इसका फायदा क्या है, यहां पे जाएंगे तो देखिए हाइपरलिंक बन रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, सारा डिटेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपके सामने देख रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमें दे दे रहा है। देखिए यहां पर देख सकते हैं, अगर हम यहां पर आते हैं और इसको हटा देते हैं, ये टोटल हटा दिया हमने और यहां से ये टैक्स अमाउंट भी हट ही गया है, तो यहां पर क्लिक करने से क्या वहां का टोटल हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक अलग से बटन डिजाइन करना पड़ेगा। तो क्या करना है, क्या दिक्कत है, यहां से जाइए, इतना हिस्सा सेलेक्ट कीजिए, यहीं पर बटन बनाना है, इंसर्ट पे चले जाइए, शेप्स पे चले जाइए और यहां पर भी बटन बना दीजिए। तो यहां पर जाकर के खींचिए इसको, इस तरीके से ड्रैग कीजिए और ड्रैग करने के बाद इस बार कलर डिफरेंट रखेंगे, ब्लैक कलर नहीं रखेंगे, ये कलर रख लेते हैं। और यहां पर जाकर के और आप इसे नाम दे दीजिए कोई, ठीक है, जैसे यहां पे कर देते हैं केवल बटन, इस बार बटन, ठीक है। तो ये बटन कर दिया हमने और बटन करने के बाद क्या करना है, आपको होम टैब पे जाना है और होम टैब पे जाके इसकी साइज बढ़ा लेनी है, ठीक है। क्लिक करिएगा यहां पे ऐसे और क्लिक करके इसकी साइज बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, ये बढ़ा लिया साइज। और बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसे बोल्ड कर देना है और बोल्ड करके क्या करना है, यहां से इस पे क्लिक करके ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये बटन तो तैयार हो गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा, जब राइट क्लिक करके असाइन करेंगे तब। तो यहां पर जाकर असाइन मैक्रो पे जाके और ये मैक्रो 2 असाइन कर दीजिएगा इस पे भी, तो ये बटन काम करेगा, ठीक है। अब ये बन गया बटन, अब यहां पे जाने पे देखिए फिर ये इस तरीके से बन रहा है और जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ये पूरा कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। मैं फिर दिखाता हूं, ये मैंने हटाया तो ये भी हट जाएगा और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां 5 का 15 हो जाएगा तो ये नहीं कैलकुलेट करेगा, 35 हो जाएगा तो नहीं कैलकुलेट करेगा, तो भी ये कैलकुलेट करेगा। मैं इसको फिर से हटाता हूं, देखिए ये हटा दिया हमने और यहां पे चेंजेस कर देता हूं। जैसे यहां पे 8 है तो 18 कर देता हूं, यहां पे 4 है तो 14 कर देता हूं। तो अमाउंट या क्वांटिटी चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 12% है तो इसको कर देता हूं 5%। तो ये बटन पे क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर देगा। देख सकते हैं यहां पर सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है ना मैक्रो यूजफुल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।